न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कांजोन लरायन। आज हम देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ न्यूज वॉल इंडिया के सीएमडी हरीश असवाल भी मौजूद हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक है सनातन, जी हां, जो इस वक्त देश में काफी ज्यादा बवाल मचाए हुए है। बवाल इसलिए क्योंकि कुछ विपक्षी नेता इस सनातन धर्म को लेकर, या ये कहें कि सनातन पद्धति को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सवाल ये कि सनातन धर्म है या सनातन पद्धति है, इसके बारे में हरीश जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सियासी बवाल मचा क्यों है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले ही उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि सनातन कोरोना महामारी जैसा है, ये डेंगू मलेरिया जैसा है, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इतना बार कहना था कि सियासी बवंडर मच गया। अब इतना बवंडर मचा और इस पर बवाल हुआ, लेकिन कांग्रेस पछती हुई नजर आई। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने बचाव तो किया लेकिन खुद का, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल है, इसका राजनीतिक पहलू निकालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, अब आगे एक और बयान सामने आ जाता है। बयान था डीएमके नेता ए राजा का। ए राजा कहते हैं कि एचआईवी जैसा है सनातन, जी हां, जिस सनातन को हम बहुत प्राचीन काल से जानते आए हैं। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। हरीश जी, सनातन को हम कैसे समझे? सनातन है क्या? क्या ये धर्म है या फिर ये जीवन जीने की शैली है? काजोल, ये पहले तो धर्म और जीवन जीने की शैली, ये पहले अलग चीज़ है। हम पहले देश की जब बात करते हैं, चुनाव जब भी होते हैं तो इस तरह के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो समाज के बीच में आ जाते हैं, और सामाजिक लोग भी इसे भूल जाते हैं कि हमें किस बात पे वोट देना है। वोट देना था काम पे, बात हो रही है धर्म की। सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। सनातन धर्म लगभग 90,000 साल पुराना धर्म है। तो इस धर्म की बात आज हो रही है, वो भी 2024 के चुनाव को लेकर, समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज, स्टालिन जिन्होंने ये बयान दिया है, पहले तो वो व्यक्ति कौन है, किस समुदाय से वो व्यक्ति आते हैं, थोड़ा सा आप मुझे बताएं किस समुदाय से आते हैं स्टालिन। स्टालिन की अगर हम बात करें तो कहते तो हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन सनातन प्रेमी नहीं है। समझ नहीं आता कि वो है क्या सनातन। पहले तो उनको ये समझने की जरूरत है कि सनातन है क्या। मुझे लगता है स्टालिन शायद क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करते हैं, आई थिंक सो। अगर नहीं तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे जो उनके नाम से समझ में आ रहा है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो समाज के अंदर जो है ना, सबसे पहले कौन सी ऐसी आफतें जिसको वो एचआईवी और कुष्ठ रोग और इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, इस तरह का नाम दे रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि जो आप ये मान के चलिए, आप क्रिश्चियन धर्म को आपने देखा है कि समाज में किस तरह से पनप रहा है, किस तरह से गांव के गांव एक्वायर हो रहे हैं, जिस पे शायद ना तो कोई राजनेता बात कर रहा है, ना ही देश में बात हो रही है, ना ही अगले अगले चुनाव के लिए ये टॉपिक रखा जाएगा फिर। हो सकता है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे तो टॉपिक चाहिए ना सर। तो ये ऐसी लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ना ही हमारा धर्म ये कहता है। हमारे यहाँ भारत जब वर्ष नाम बोला जाता है ना, भारत मतलब सब इसमें भरे हुए हैं। अच्छा, भारत का जिक्र किया आपने, सनातन की हम बात कर रहे हैं, तो सनातन से जुड़ा भारत है, भारत से जुड़ा सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन जीवन जीने की एक शैली है। सनातन सिखाता है प्रेम, सनातन सिखाता है इज्जत करना, सनातन सिखाता है कि कैसे पशुओं से प्रेम किया जाता है। ये है सनातन, कोई धर्म नहीं है सनातन। अब इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये समझ नहीं आया। 2023 चल रहा है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम चंद्रयान, G20 सम्मेलन कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यही अंतर मालूम नहीं है कि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। बिल्कुल। आप उसे हिंदुओं को जोड़ देते हैं, हिंदू कोई शब्द था ही नहीं सर, हिंद तो शब्द सनातन था। अपने आप में धर्म नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला। सनातन धर्म कोई भी अपना सकता है, और आज अपनाने वालों की संख्या ज्यादा है। इवन आप विदेशियों की बात करेंगे, वो भी हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। तो ये इस तरह की टिप्पणी करना कि सनातन धर्म एक एचआईवी है, कुष्ठ रोग है, ये है, ये गलत है। इससे फर्क क्या, वैसे इनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग कहीं मायने नहीं रखते। बिल्कुल, है ना। तो ये मायने उनके लिए रखते हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं।
तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इन लोगों की बातों में ना है, इनके पास भरे हुए संदूक हैं, घर में खाने को खूब अच्छे से है, और इनको यही करके अपने संदूक वापस भरने होते हैं। राजनीति, इनको राजनीति का मतलब नहीं पता, राजनीति का मतलब सेवा होता है, राजनीति का मतलब लड़ाना नहीं होता। ये लड़ाने वाले जो बयान हैं इनके, ये गलत है, पर अब जनता समझदार है जो इनको इतने भाव नहीं देती है। इसी तरह से शायद वो अभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर ने भी कुछ कहा था, इस तरह के बयान पहले भी सामने आए हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे हम बॉलीवुड की बात कर लें, बॉलीवुड में भी सनातन धर्म को बहुत एक कहीं ना कहीं इसको अलग तरीके से दिखाया गया, इसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया। बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में ये बात कब उठती है, आपने कभी सोचा कब उठती है? पब्लिसिटी जो है ना, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो पब्लिसिटी कहलाती है। वो किसी फिल्म से उसको जोड़ देते हैं ताकि भीड़ जो है ना उस तरफ जाए कि यार इसमें कुछ है क्या। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करूंगी, आप बहुत तजुर्बा रहा है आपका, आपने दुनिया देखी है, आप बहुत सारे देशों में गए हैं, तो ये क्या जरूरी है कि आप किसी धर्म को लेकर, किसी की आस्था को पूरी तरह से खंडित करके या उसे दुखा कर तब आप उस चीज की उपलब्धि को हासिल करें, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो बॉलीवुड। आप एक बात समझिएगा, जनता भी समझ इस बात को समझेगी कि अच्छा अच्छा नाम अच्छा काम का प्रचार बहुत कम होता है, बुरे काम का प्रचार तुरंत होता है, बुरे तरीके से बोले हुए प्रचार को बहुत आसानी से बढ़ाया जाता है। अभी मैं आपको ऑन कैमरा कुछ बोल दूं तो इसका प्रचार हो जाएगा अभी, और मैं ऑन कैमरा आपकी तारीफ कर दूं तो बोलते ठीक है उसका काम था, तो बोलते हैं दुष्प्रचार करना आसान हो जाता है। तो यहाँ ये कमी क्यों है, क्या हमारे सिस्टम में कुछ कमी है कि हम सही तरीके से कमी है, ये सिस्टम में कमी है, नहीं बता पा रहे अपने युवाओं को कि हमें कहाँ चलना है, किस तरह से चलना है। आपको अगर जब लगाम लग जाएगी ना किसी चीज को कि आपको कितने दायरे में रहना है, आजादी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आजाद भारत में आप रह रहे हो, और मैं समझता हूँ वर्ल्ड में पहली एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर चीज की आजादी है, ठीक है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी अभिव्यक्ति की भी आजादी है। पर आजादी आपको मैं बताऊं काजोल जी, आजादी का मतलब है कि आप आजाद अपनी नाक की सीमा तक है, उसके आगे आप आजाद नहीं हो, उसके आगे आपके जुबान जो है ना, मेरी माँ मुझे बचपन से एक चीज सिखाती थी कि आपके मुंह के अंदर 3-4 स्टॉपर लगे हैं, एक छोटी जीभ, एक बड़ी जीभ, फिर दांत, फिर लिप्स, उसके बाहर बात निकल गई ना तो वो आप अगर गलत निकली तो उसका खामियाजा भी आप ही भुगतोगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो बात है इसमें दम था कि आजादी आप अपने लेवल तक ही हो, अपने नाक के लेवल तक हो। अब आजादी को लोग इसको गलत ढंग से लेने लगे हैं, और सनातन धर्म और धर्म मुस्लिम धर्म इन चीजों पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबको अभिव्यक्ति की आजादी जिसको बोलते हैं ना कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से लो, उस पे काम करो। लेकिन सनातन हिंदू मुस्लिम करते करते आपने पहले भी इस अभी कुछ देर पहले ही आपने बात रखी कि हम ये भूल गए हैं कि ईसाई धर्म किस तरह से अपने आप को पॉपुलर बिल्कुल कन्वर्ट कर रहा है गांव के गांव। ईसाई धर्म जो है आप ये देखिएगा, आप पूरे गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो इतनी साइलेंट किलिंग कर रहा है कि हम हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे, और आधे से ज्यादा आप साउथ की तरफ चले जाइए, पूरे गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। आप वो पैसा भी दे रहे हैं, आपको बकायदा मंथली देते हैं, मतलब लालच देकर वो लालच देके कन्वर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हो, वो वहाँ ईसाई बना के चले गए, और ये तो साउथ में पहले था, अब तो नॉर्थ की तरफ भी आ गए। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए। पर मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा जब हम दोनों को पता है ये बात, तो सरकार को तो ऑब्वियसली पता होगी, तो क्या ये हर 5 साल के मुद्दों के लिए इस बात को दबा के रखते हैं? हो सकता है शायद, क्योंकि गलत है, एक्शन लिया जा रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जबरन आप किसी को किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बिल्कुल, ये होना चाहिए। बिल्कुल, कन्वर्जन किसी भी जबरदस्ती नहीं हो सकता, स्वेच्छा से कोई भी किसी धर्म में जा सकता है। पर हाँ, इन लोगों ने इस तरह से पैसे दे के करके उनको स्वेच्छा दिखा देते हैं कि स्वेच्छा से ये ईसाई धर्म में आ रहे हैं, पर ये जबरन ही है। इसके पीछे की वजह है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, इसके पीछे एक वजह है कि पैसे के लालच में या किसी स्कीम के लालच में वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, गरीबी बेरोजगारी इस पर हम बात नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, सरकारों की बहुत स्कीम ऐसी हैं,
और हमारे नेताओं का यही काम था कि वो स्कीम को उन जनता तक पहुंचाना। रोजगार योजना, बहुत सारी रोजगार योजनाएं हैं जिनमें सरकार आपको भैया बहुत पैसा देती है, पर उन लोगों को स्कीम के बारे में नहीं पता, उनको शॉर्टकट पता है, वहां तक शायद पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि कोई आएगा वो पैसे देगा, धर्म ही तो परिवर्तन करना है और कुछ थोड़ी हो रहा है, क्या करना है, नाम आज कुछ और नाम रख लो, है ना, मतलब अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी नाम रख लो। हाँ, आज राजा ने तो रॉबर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, नाम ही कन्वर्ट करना, तो लोगों को ये लगता है ये इजीएस्ट ऑप्शन है, इसमें पैसे भी क्यों मिल रहे हैं। और फैमिली में, अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फैमिली में अगर पांच मेंबर है ना तो पांच मेंबर के पैसे मिलते हैं, ये वहां पर हो रहा है। और जो मेन इसके पीछे का कारण है, हमें वहां पर जाना है, हमें इसकी जड़ खत्म करनी है, और जड़ है बेरोजगारी, शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि आखिर क्या है। तो हम सनातन पर वापस आते हैं, सनातन पर हम बात कर रहे हैं। सनातन पर हमले करते करते युगों निकल गए हैं, मुगल आए, अंग्रेज आए, अभी कल योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि बाबर रावण का अहंकार जब सनातन को नहीं मिटा पाया तो फिर कोई और क्या मिटा पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सनातन को कोई, क्योंकि सनातन जो है अनादि अनंत है। बिल्कुल बिल्कुल अनंत है। और ये जो सनातन के ऊपर चर्चा हो रही है ना, सनातन और भारत देश और इंडिया, इन सब पे चर्चा है, जो आजकल ट्रेंडिंग वर्ड्स जो चल रहे हैं, इंडिया, अगर इंडिया का नाम बदलने के, पहले तो ऐसा कुछ अभी सामने आया नहीं है। हाँ, भारत से हम इंडिया की तरफ बढ़े, अब इंडिया से वापस पहले भारत तो भारत का जो जन्म हुआ था ना, वो भारत आज का नहीं है, भारत हमारे देश का नाम भारत और हिंदुस्तान ही था। हाँ, महापुराण, कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, कुछ श्लोक हैं, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। अगर देखिए, जो सनातन धर्म को मानता है या हिंदू धर्म से है, उसने विष्णु पुराण जरूर पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, अपने माता पिता से भी सुना होगा, हो सकता है कि कहीं मंदिर में भी सुना हो। तो विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक को आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ भारत नाम का जिक्र है। विष्णु पुराण, हरि जी, आप जानते हैं कि आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सनातन 90,000 साल पुराना, और जो लिखित में है वो तो 19,000 साल पुराना बताया ही गया है, जो वेद और पुराणों में है। जिक्र एक श्लोक है, संस्कृत में है, और मैं चाहूंगी कि आप उसका हिंदी में अनुवाद जरूर करिएगा, तो मैं दर्शकों को जरा सुनाती हूँ। उत्तर यता समुद्र से हिमा दृश चेवे दक्षिणम वर्ष तदा भारता नाम भारती यत संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमाचल के दक्षिण में जो देश हैं उसे भारत कहते हैं, और इसे भूभाग में रहने वाले लोग, देश की संतान भारती हैं। तो इसको जरा सा हरि जी समझाने की भी कोशिश करेगा इस अर्थ को। मतलब इसका अर्थ जो है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, ये आज से नहीं, ये नाम जब नक्शे में आया था ना तो उन्होंने इसका भारत नाम तब रख दिया था, हिंदुस्तान तब नाम रख दिया था इसका। तो इससे पहले बहुत सारे नाम हुए, चाहे जम्बू द्वीपे हो गया, भारत खंडे हो गया, आर्यव्रत हो गया, बहुत सारे नाम रहे, बहुत सारे नाम हुए, लेकिन भारत का जिक्र तो हमें मिलता है ना, तो हम भारत से परहेज क्यों कर रहे हैं? और भारत जो ना, अब एक 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 चीज और मैं बताऊं आपको, भारत जो है, भरत के नाम से भारत है। शकुंतला का नाम सुना होगा आपने? हाँ, एक कहानी मैंने सुनी थी बचपन में। हाँ, सुना था, राजा दुष्यंत। वो कहानी मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से बता दीजिए। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के ऊपर हुआ था, जिसमें ऋषियों ने ये कहा था कि भारत जो है उनके बेटे का नाम था, उनके बेटे के नाम से देश जाना जाएगा, वहां से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और ये जो जगह है जहाँ शकुंतला की अंगूठी खोई थी, और ये उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में ये कोटद्वार एक जगह है, वहाँ पर ये शकुंतला की कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। तो ये समय बहुत लंबा चला जाएगा इसमें, तो मैं इतना बता दूँ, कोटद्वार में वो जगह है जहाँ से भारत का नाम पड़ा, वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, भरत मंदिर बोलते हैं उसे। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, मैं सारे श्लोक बताऊंगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। महाभारत में भी जिक्र है भरत का, जैसे कि आपने बताया उस कहानी को, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा। भागवत पुराण में अध्याय 4 है, उसमें भी भगवान ऋषभ को अपनी कर्मभूमि अनजन भर्ष में 100वां पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया, और फिर उसी के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। तो भारत अभी का नहीं है, भारत जब से सनातन है तब से भारत है। और देखिए, लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि सनातन और भारत की, लड़ाई सिर्फ है वोटों की, राजनीतिक एंगल है हरीश जी, राजनीतिक एंगल है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है बाकी। भारत पहले भी था, 90,000 साल पहले से भारत है, आज भी है और आगे भी रहेगा,
इसमें आपको मतभेद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया जो नाम है वो इंडिया नाम के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, क्योंकि उन्होंने प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कत होती थी, उन्होंने कहा था भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। अच्छा हरी जी, एक सवाल, कल मैं जब घर गई हमने यूसीसी के मुद्दे पर कल बात की तो मेरे से किसी ने पूछा कि आप जब अपना पॉइंट रखिएगा या तो आपका दूसरा वीडियो आता है वो वीडियो आप ज़रूर सनातन धर्म पे करिएगा, लेकिन भारत और इंडिया पे जो लड़ाई चल रही है उस पर ज़रूर करिएगा। उस पर पूछिएगा कि अगर हम इंडिया हटाते हैं भारत रखते हैं तो इंडिया को हटाने में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि मैंने आज पढ़ा तो ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, इतना खर्चा आएगा, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? अगर नाम पे इतना बड़ा इशू है और पैसे में इतना खर्चा तो नहीं करना चाहिए, कि वो जीरो किसी के काम आने वाली है, वो जीरो आपकी है, जीरो मेरी है। और इसमें अभी तक तो कोई परेशानी नहीं, तो आगे क्या परेशानी आ सकती है? सिर्फ विपक्ष ने INDIA यूज कर लिया इसलिए पक्ष को प्रॉब्लम है, या नहीं है ये अभी अभी सिर्फ चर्चाओं में है, इस बात को अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि इसमें उनको प्रॉब्लम है। ये पिछली बार जब वोट मांगे गए थे तो इंडिया के नाम पे मांगे गए थे कि भ्रष्टाचार गो फ्रॉम इंडिया, है ना, ये कई कई प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में था ये। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, जानबूझकर जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इससे ध्यान भटकाने के लिए चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नाम पर, वोटों के नाम पर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में बताइएगा कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा और बेहतर कैसे बन सकता है और किन चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ही ये इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं ताकि आप सुने। और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कल फिर लौटेंगे मैं और हरीश जी किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।